हाय गाइस, मैं हूँ संध्या। वेलकम बैक टू माय पैशन। तो आज मैंने आप लोग के साथ शेयर करने लेके आया है और ब्रांडेड प्रोडक्ट जो जहाँ पे जहाँ देखे उसका ही तारीफ हो रहा है ब्रांडेड प्रोडक्ट का। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ट्राई कर लेती हूँ इसमें से एक प्रोडक्ट। तो मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया था। ये प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है मामाअर्थ। यस, मामाअर्थ का उबटन फेस मास्क। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना और बहुत लोगों ने इसको पसंद किया है। बहुत अच्छी तारीफ़ें मिली है इस उबटन को। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको खरीद के रिव्यू कर ही लेती आप लोगों के लिए। तो मैंने इसे मामाअर्थ को मैंने ऑनलाइन परचेस किया क्योंकि ये लोकल स्टोर में या हमारे आजू बाजू कहीं मिलता नहीं है, ये ऑनलाइन परचेस करना पड़ता है। तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया है। तो इसका जो प्राइस है ये 499 का है, 499 500। मुझे ये 427 में मिला था। ये कैसे मिला मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो मामाअर्थ का जो ये उबटन है, उबटन फेस मास्क, जिसमें टर्मरिक, सैफ्रन और एप्रिकॉट ऑयल जो इसका इसके जो तीन मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ दिए हुए हैं, स्किन को ब्राइटन करता है और इसमें हार्मफुल केमिकल्स कुछ भी नहीं, जैसे पैराबेन और सिलिकॉन फ्री है, ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है और विथ बायो एक्टिव्स। ठीक है, तो मैं इसे पहली बार मैं इसे यूज़ करने जा रही हूँ आप लोग के लिए। मैं इसका रिव्यू मैंने इसका रिव्यू करूँगी और प्लस मैं इसका डेमो दिखाऊँगी आपको। मैं इसे अपने चेहरे पे लगा के आपको दिखाऊँगी क्या होता है क्या नहीं होता है, यह हमें देखेंगे। इससे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ आपको, कैसे ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आता, कैसा था। तो पहले हम देखते हैं अनबॉक्सिंग ऑफ मामाअर्थ प्रोडक्ट। तो ये रहा मामाअर्थ का प्रोडक्ट जो मुझे इस तरह से पैकेजिंग में आया है। मामाअर्थ इस पर सब लिखा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल बॉक्स है। तो इसके बीच में स्टिकर लगा हुआ है, तो हम इसे कट करके निकालेंगे। मामाअर्थ का जो प्रोडक्ट होता है सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से यूज़ करके बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इसलिए ये एशिया का नंबर वन ब्रांड है। सेल्फ मेड सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है, इसके वजह से ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। इसके हर प्रोडक्ट्स बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, इस वजह से मैंने ट्राई किया पहले उबटन से, क्योंकि उबटन का ही बहुत ही तारीफ सुना था मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे ख़रीद लूँ आप लोग के लिए। ये पहले भी निकला हुआ था, अभी ये न्यू एंड इम्प्रूव पैक होके आया है और इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें। तो इस तरह से एक कार्टन में अब को ये बॉक्स आता है, बॉक्स में छोटे से बॉक्स में ही आता है। इस तरह का प्लास्टिक कंटेनर है ये मामाअर्थ उबटन फेस मास्क विथ टर्मरिक, सैफ्रन, एप्रिकॉट ऑयल फॉर स्क्रीन ब्राइटनिंग। और ये सब केमिकल्स फ्री है, पैराबेन और सिलिकॉन इसमें नहीं है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है और विथ बायो एक्टिव्स। और जो इसका प्राइस यहाँ पे दिया है वो 499 है यहाँ पे, और बट मुझे ये 427 में मिला था। इसके इंग्रेडिएंट्स सब यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दूसरे भी डाले, सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला हुआ है। तो इसे हम ओपन करके देखते हैं। ओपन करने में हमें और एक ढक्कन इसके ऊपर मिलता है, उसे हम ज़रा खोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, बहुत ही अच्छे से स्किन को ग्लो करता है। तो इस तरह से इसके साथ एक स्पैटुला हमको फ्री मिलता है, ताकि बहुत ही हाइजीन प्रोडक्ट है तो हम अपनी उंगली डाल के या हाथ डाल के नहीं निकाले, स्पैटुला यूज़ करें। तो इस तरह से इसकी ओपनिंग है, इस तरह से कंटेंसिटी बहुत ही गाढ़ी है इसकी, दूसरे मास्क की तरह नहीं है। तो हम इसे यूज़ करके देखते हैं, लगा के देखते हैं कैसा ग्लो आता है चेहरे पे। मामाअर्थ उबटन फेस मास्क, तो चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। तो आपने अनबॉक्सिंग देखा, इस तरह से मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट आया था मामाअर्थ का, जिसमें तो हम इसको इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जो कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। आपको वैसे ही मेरे चेहरे पे ग्लो दिखता होगा, ये मैंने इसे लगाने के बाद ही वीडियो कर रही हूँ, तो एक इंस्टेंट ग्लो आपको मेरे चेहरे पर दिख रहा होगा। तो अभी से आप समझ गए होंगे क्या कैसा प्रोडक्ट है, मगर इसे लगाना कैसे कैसे करना सब मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे टर्मरिक है, सैफ्रन है, एप्रिकॉट ऑयल है, ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, और बहुत सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिक्स है
पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो इसे लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने इसे लगाया और उसका वीडियो मैं आपको भी दिखाती हूँ, तो चलो देखते हैं। तो ये रहा मामाअर्थ का प्रोडक्ट, मैंने इसका अनबॉक्सिंग आपको दिखाया था, तो अभी मैं इसे खोल के निकालती हूँ बॉक्स को। तो इस तरह से ये बॉक्स है मामाअर्थ उबटन फेस मास्क विथ टर्मरिक सैफरन एप्रिकॉट ऑयल फॉर स्किन ब्राइटनिंग। और ये इसमें सब कोई केमिकल्स भी नहीं है, केमिकल्स पैराबेन और सिलिकॉन फ्री है ये, तो डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है। तो हम इसे लगा के देखते हैं। तो लगाने से पहले फेस वॉश करना है, मैं अपना फेस वॉश पहले से कर चुकी हूँ, तो मैं अभी इसे लगाती हूँ। इसके साथ हमें एक स्पैटुला मिलता है, स्पैटुला इसलिए मिलता है ताकि फिंगर कुछ इसमें डाले नहीं, हम हाथों से ना निकल स्पैटुला यूज़ करें, जितनी भी क्वांटिटी चाहिए स्पैटुला में निकाल के हम अपने हाथ में लगा के इसे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, तो स्पैटुला का यूज़ ज़रूर करिएगा। तो चलो ओपनिंग खोलते हैं इसे। बहुत ही गाढ़ी कंटेंसिटी है इसकी, बिल्कुल गिरेगा नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं लगाना है तो आप इसमें रोज़ वाटर डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही गाढ़ी कंटेंसिटी है इसकी, ठीक है। अगर हमको पतला सा चाहिए, अगर आपको हल्का सा लगाना है, पतला सा लगाना है, तो इसमें रोज़ वाटर यूज़ करके हम इसे लगा सकते हैं, बट मैं अभी इसे ऐसे ही लगाने वाली हूँ। तो मैं इसको अगर हाथ तल के नहीं निकालना है, हमें स्पैटुला का यूज़ करना है, वो मैंने आप लोग को दिखाने के लिए मैंने हाथ डाला उसमें। तो स्पैटुला यूज़ करके हमें जितनी क्वांटिटी चाहिए स्पैटुला में लेकर हम अपने हाथ में रख के इसे लगा सकते हैं। तो मैंने एक तसा लिया है, ये मेरे फेस को पूरा हो जाएगा। तो बहुत ही गाढ़ी कंटेंसिटी है इसकी, ये देखिए देखिए। तो मैं इसे अपने चेहरे पे लगाती हूँ। वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट भगा रही हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाएगी। तो इसे पूरे चेहरे पे लगा लीजिएगा, आँखों को जो आँखों का जो हिस्सा है उसे छोड़कर पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लीजिए। ये लगाने के वक्त अगर हमें टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जैसे बहुत ही मतलब बहुत टिंगलिंग जैसा सेंसेशन होता है, तो वो नॉर्मल है क्योंकि वो जो वर्क कर रहा है। अगर हमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है चेहरे पे, तो इसे बिल्कुल मत लगाइएगा क्योंकि सेंसिटिव स्किन को ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। अभी मैं यहाँ पे जो पूरा जो लगा ली, मुझे अभी कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है अभी। मुझे हल्का सा मुझे नो इसे हमें 15 मिनट रखना है, मुझे मेरे नोज़ के पास और दोनों नोज़ के साइड में और अपर लिप्स में बर्निंग सेंसेशन हल्का हल्का सा हो रहा है, बाकी कोई चेहरे पे मुझे नहीं पता चल रहा है, बट मेरे नोज़ के साइड में और मेरे अपर लिप्स में मुझे बर्निंग कि सब ठीक है। तो हमें 15 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो 15 मिनट बीत चुका है, ये फुली ड्राई नहीं हुआ है, सेमी ड्राई हो गया है। तो अभी मैं इसे आपको आपके सामने से साफ़ करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने गीला कपड़ा लिया है, इसे मैं साफ़ करती हूँ। तो इसे इस वीडियो को मैं थोड़ा भगा दूँगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से पोंछ कर निकालती हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या है क्या हुआ। तो चेहरे पे एक ब्राइटनेस आ गई है, ग्लो कर रहा है चेहरा अच्छी तरह से। तो मैं फेस वॉश करके आपको बताऊंगी, तो आप देख सकते हैं ज़रा ब्राइटनेस कितनी आ गई है चेहरे पे, बहुत ही ग्लो हो रहा है चेहरा। उस वजह से जो मेरे डार्क सर्कल्स है वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं, उठ के दिख रहा है डार्क सर्कल्स, क्योंकि चेहरा इतना ग्लो हो गया कि डार्क सर्कल्स उठ के दिखने लगा। तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ और फिर देखते हैं। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, मेरा चेहरा बहुत ही ग्लो कर रहा है, इंस्टेंट ग्लो मिल गया है, इंस्टेंट ब्राइटनेस आ गई है चेहरे पे, बहुत ही
मैं ये प्रोडक्ट पहली बार यूज़ कर रही हूँ और पहले बार में इतना अच्छा असर आ गया है। सिर्फ 15 मिनट मैंने रखा और इतना ग्लो आ गया है चेहरे पे, बहुत ही स्किन सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही ग्लोनेस आ गया, डार्क सर्कल बहुत ही ज़्यादा दिखने लगा, पूरे चेहरे पे ग्लोनेस आ गई है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो गई है मेरी। तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है ये। अगर आपको अगर टिंगली सेंसेशन होता है तो आप समझ जाइए कि वर्क कर रहा है वो चेहरे पे। अगर बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग जैसा लग, जलन होगा तो आप बिल्कुल मत लगाइए। मेरे सिर्फ नोज़ के साइड में और लिप्स में, लिप्स के ऊपर, अपर लिप्स में हुआ, बाकी सब जगह पे ओके है। कुछ रेडनेस उसका, कुछ साइड इफेक्ट्स मुझे नहीं हुआ, रेडनेस कुछ नहीं हुआ मेरे चेहरे पर, वैसी की वैसी है, उल्टा पूरा ग्लोनेस आ गया चेहरे पर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, तो थम्स अप है इसके लिए। आप लोग भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जब मैंने इसे लगाया तो मुझे एक बर्निंग सेंसेशन हुआ मेरे अपर लिप्स पे और मेरे नोज़ के साइड में, तो वो 2 सेकंड के लिए था, फिर ठीक था, फिर मुझे कुछ बर्निंग था और मुझे कुछ इफेक्ट नहीं, कुछ रेडनेस कुछ हुआ भी नहीं है, सब ठीक है, एकदम अच्छा है, अच्छा सा ग्लो फेस पे आया है। मैं आपसे सच कहूँगी कि मैंने कोई फाउंडेशन इसमें लगाया नहीं है और मैंने सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके ऊपर मैंने टैल्कम पाउडर यूज़ किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, टैल्कम पाउडर मैंने यूज़ किया, फिर भी मेरे चेहरे पे इतना ग्लो आया है और डार्क सर्कल्स देखो मेरा अभी भी दिख रहा है। ये तो मेरे आई शेडो की वजह से इतना दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर मेरे डार्क सर्कल अभी भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने फाउंडेशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र के बाद टैल्कम पाउडर लगाया और आप देख सकते हैं आपके सामने बैठी हूँ मैं ग्लोनेस। तो एक ही टाइम पे 15 मिनट मैंने वेट किया और मेरे चेहरे पे इतना अच्छा ग्लो आया, इंस्टेंट ग्लो इसमें मिल रहा है। और 15 मिनट्स के लिए रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, सुखाना नहीं है हमें कि अभी तक ड्राई नहीं हुआ तो मैं रखूँगी, ऐसा नहीं है। 15 मिनट्स इसमें टाइमिंग दिया, तो 15 मिनट्स ही आपको रखना है। वो सेमी ड्राई होगा तो उसे आप वॉश कर सकते हैं नॉर्मल वाटर से, या लुकवॉर्म वाटर से आप उसे वॉश कर सकते हैं। वॉश करने का थोड़ा मसाज करके वॉश करिएगा, मैंने तो आपको पोंछ के दिखाया, आप थोड़ा मसाज करके वॉश करिएगा और स्किन बहुत ही सॉफ्ट और सफल हो जाती है और एक इंस्टेंट ग्लो चेहरे पे आ जाती है, इंटेंस ब्राइटनेस आ जाती है चेहरे पे। तो जो इसने कहा है वो दिख रहा है आपके सामने, मैंने आपको करके दिखाया। और मामाअर्थ जो प्रोडक्ट है ये हार्मफुल केमिकल्स में कोई नहीं है और टॉक्सिन फ्री है करके ये एशिया का नंबर वन ब्रांड है मामाअर्थ। और मामाअर्थ में हमें बेबीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ मिल जाती है, अच्छे अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स, और हमारे लिए भी होती है गर्ल्स लोग के लिए, और इसे कोई भी लगा सकता है उबटन। ऐसा नहीं है कि खाली गर्ल्स या वुमेंस के लिए ही है, इसे मेंस भी लगा सकते हैं इस उबटन को। इस उबटन के साथ एक फेस वॉश आता है, जो इस उबटन के साथ ऐसी उबटन का एक फेस वॉश भी होता है जो मैं लेने का सोच रही, क्योंकि वो भी उसकी फेस वॉश उबटन सैफ्रन एप्रिकॉट ऑयल का फेस वॉश भी आया, फेस वॉश मैं वो भी मैं जल्दी लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे वो भी लेना है, क्योंकि इसके साथ ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे फेस वॉश हमें क्या करना है, पहले लगाने के पहले हमें फेस को वॉश कर लेना अच्छे से, फेस अच्छे और फेस वॉश से। जैसे मैं इसका उबटन का फेस वॉश भी आता है, मगर मैंने तो नॉर्मल फेस वॉश से यूज़ वॉश किया फेस, और पैड ड्राई करके हमें ये एक लेयर लगा लेनी है। बहुत ही गाढ़ी लेयर है तो हम इसमें रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम ऐसे ही लगा सकते हैं। इसे लगा के हमें 15 मिनट से रखना है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, और फिर हमें इसे वॉश कर लेना है। बहुत ही अच्छा ग्लो ये दे रहा है और इसे मैन वुमेन कोई भी लगा सकता है। टैनिंग अभी सबको होती है, टैनिंग की कोई उम्र नहीं होती, धूप में निकलो तो टैन हो जाता है, काला पड़ जाए। मेरे गले में भी देखो टैनिंग है थोड़ा, ब्लैकनेस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये सब लगाएंगे तो ये टैनिंग सब कम हो जाएगा। हम गले पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे एल्बोज़ पे, हमारे यहाँ एल्बोज़ पे टैनिंग हो जाती है, हमारे बाजू पे टैनिंग हो जाती है, तो हम इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, लोगों ने सब इंग्रेडिएंट्स तो बताया नहीं है, बट थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स के बारे में लोगों ने लिखा, जैसे एक्वा कॉइल, एक्वा और बेंटोनाइट एक क्ले होता है, जो अभी हम लोग टर्मरिक जो हमें जो उबटन बनाते हैं, उबटन मतलब हमारे दिमाग में पहला चने का आटा ही आता है ना, तो चने का आटे की जगह पे बेंटोनाइट क्ले यूज़ किया। चने का आटा भी क्ले जैसा ही होता है, हम वैसे ही काम करता है, ऑयली चेहरे उसको डर्ट सब निकालता है वो, तो इसी तरह से जो क्ले है वो बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही महंगी क्ले है, तो उन्होंने महंगी चीज़ में यूज़ किया है
ओरिजिनल टर्मरिक पाउडर जो हल्दी है, जो ओरिजिनल हल्दी, वो हमारी किचन वाली हल्दी नहीं, जो हल्दी जो नेचुरल से नेचुरल हल्दी होती है उसे इसमें डाला गया है। सैफरन, सैफरन आप लोगों को पता है कितनी महंगी होती है सैफरन, वो इसमें डाला हुआ है। ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा, एप्रिकॉट ऑयल कितना अच्छा है आप सबको उसके बारे में पता ही होगा कि कितना अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें डली हुई है। इन्होंने कहा है कि ये हमारे रेड्यूस साइन हमारे स्किन का जो हमारे जो हमें एजिंग होती है तो हमारे चेहरे पर रिंकल्स लाइन सब पड़ती है, झुर्रियाँ सब पड़ती है, वो उसको जो कम करता है उस और हमारे स्किन को ब्राइट करता है, फिर हमारे स्किन को हेल्दी ग्लोइंग करता है, ग्लो करता है, हेल्दी ग्लोइंग स्किन हमको मिलता है इससे, और हमारे स्किन की मॉइस्चराइजर जो खो गई थी वो वापस आ जाती है, वापस आने में मदद करता है। और नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करके इसमें से हमारे चेहरे से सन टैन को निकालता है, रिमूव सन टैन, तो ये करता है हमारे स्किन को ग्लो, मेक स्किन ग्लो, स्किन को ग्लो करता है और टैन रिमूव करता है और हमारे स्किन को सॉफ्ट, सप्पल और हेल्दी बनाता है, ठीक है। और इसमें जो हमारा यूज़ किया है सैफरन, सैफरन जो होता है कि सैफरन विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का क्या कहेंगे भंडार है, और उसमें उस भंडार बहुत सारे सैफरन में तो क्या कहेंगे पावर हाउस है विटामिन के और एंटीऑक्सीडेंट का सैफरन, तो सैफरन हमारे चेहरे स्किन के अंदर डीपली जाके हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारे स्किन को एक रेडियंस नेचुरल ग्लो देता है, हमारे चेहरे पे जो भी स्पॉट्स होते हैं उसको क्लियर करता है और जो डेड सेल्स को उसको रिपेयर करता है। मेरी जो है टर्मिक सबको पता है, हल्दी की तो नेचुरल हल्दी की तो क्या कहते हैं उबटन में तो मेन इंग्रेडिएंट वही होता है हल्दी और चने का आटा, उबटन में हम हल्दी चने का आटा दूध ये सब डालते हैं, पर इसमें ये सब नहीं डाला हुआ है, इसमें सैफरन हल्दी फिर एप्रिकॉट ऑयल बेंटोनाइट क्ले मलबरी एक्सट्रैक्ट एलोवेरा जेल एक्स्ट्रैक्ट और ग्लिसरीन और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें लिखे हुए हैं वो सब इसमें ऐड हुआ, सब नेचुरल है। और ये लोग ने जो प्लास्टिक कंटेनर यूज़ किया है, ये लोग साल में प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी करते हैं, और जब भी हम ऑनलाइन से इनके पास परचेस करते हैं उसी वक्त हमारे भी यहाँ पे वो लोग एक ट्री एक प्लांटिंग कर लेते हैं, ट्री का एक ट्री लगवा लेते हैं, तो अच्छा काम है कि हमारे मीन्स हमने ऑनलाइन में उनसे कुछ ख़रीदा और हमारे बिहाफ में हम लोग एक ट्री लगा लेते हैं, जैसे अभी कहते भी है कि प्लांट अ ट्री सेव द ट्री प्लांट मोर ट्रीज, तो वो हमारे लिए इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं। और ये इंडिया जो मामा इंडियन ब्रांड है, और एप्रिकॉट ऑयल क्या करता है, एप्रिकॉट ऑयल भी हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जितनी भी एक्सफोलिएट एजेंट है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, मैंने यूज़ किया आपके सामने, मुझे कोई साइड इफेक्ट्स अभी तक हुआ नहीं है और कुछ रेडनेस कुछ नहीं हुआ चेहरे पे, थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन थी बट फिर वो 2 सेकंड में चली गई, फिर ठीक थी, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं। और ये न्यू एंड इम्प्रूव पैक है, पहले भी इसका जो निकला हुआ था अभी ये न्यू एंड इम्प्रूव होके आया है, तो और ज़्यादा बेहतरीन होके आया है, तो इसीलिए ऐसे नहीं सब लोग इसके लिए पागल हो रहे, क्रेजी हो रहे। और इसको इसमें इन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया है, डिस्क्लेमर कैसे कि इन्होंने जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किया तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कभी कभी अपना कलर चेंज कर लेती है, फ्रेगनेंस चेंज कर लेती है, पर इससे ये नहीं होगा कि इसका इफेक्ट चेंज होगा, इफेक्ट वैसे ही रहेगा, ऐसा भी उन्होंने डिस्क्लेमर में लिखा है। और ऐसा भी है लिखा है कि कोई कोई लोगों को नेचुरल चीज़ नहीं ये नहीं होती है, उन लोगों को जमता नहीं है नेचुरल चीज़ें, जैसे किसी को हल्दी से एलर्जी होती है, किसी को सैफरन से एलर्जी होती है, तो ऐसा होगा तो मीन्स वो सेंसिटिव स्किन ही होती है। मेरी जो स्किन है कॉम्बिनेशन भी है तो सेंसिटिव टाइप भी है, इससे मुझे बर्निंग सेंसेशन हुआ था, तो इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है करके इसमें ये हर स्किन टाइप को सूट करेगा ऐसा इसमें लिखा हुआ है, हर स्किन टाइप्स के लिए, पर सेंसिटिव स्किन अगर आपकी है तो आप इसे पहले पैच टेस्ट करिए, वो भी इन्होंने डिस्क्लेमर में लिखा है कि आप इसे पहले हम लोग हेयर कलर लगाने के वक्त भी हम पैच टेस्ट करते हैं हमारे खानों के पीछे या हमारे रिस्ट में, तो ऐसे ही आप लोग उसे पैच टेस्ट करने के बाद ही अगर आपको कोई ज़्यादा ही बर्निंग हो रहा है, रेडनेस आ गया, तो इसे बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि शायद आपको कोई प्रोडक्ट कोई इंग्रेडिएंट्स आपको एलर्जी हो रही है, इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले ज़रूर पैच टेस्ट करने के बाद ही इसे लगाइएगा, ठीक है।
तो इतना ही था आपको। फिर इसे परचेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप सीधे इनके वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और वहां पे आपको बेबीज़ के लिए और हमारे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वहां पे। फेस मास्क, फेस क्रीम, फेस सीरम, बॉडी लोशन, हेयर ऑयल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल है। आप मेरे ये लिंक पर क्लिक करके अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर ऑलरेडी वो लोग 15% का डिस्काउंट देते हैं। और जैसे मैंने परचेस किया था तो वहाँ पे जब मैंने ये उबटन के वहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे ऊपर से बहुत सारे हमको हमें उबटन एयर ऑयल ऐसे करके स्लाइड होते रहता है तो उस पर कूपन कोड लिखा हुआ होता है। जैसे इसका कूपन कोड मुझे लिखा था उसमें उबटन 15 करके, तो उबटन 15 करके मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे ये प्रोडक्ट 15% डिस्काउंट मीन्स मुझे 427 में मुझे ये प्रोडक्ट मिला। तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी, मैंने कैश ऑन डिलीवरी करा था इसलिए कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर दिया था इसलिए मुझे 427 में ये प्रोडक्ट मिला। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है, 5% का और आपको ऐड करके डिस्काउंट देते हैं, तो कम से कम आपको 400 में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये 499 का प्रोडक्ट है, 499 रुपीज़ है इसका, तो आपको ये 400 में मिल जाएगा, 100 रुपीज़ कम होकर मिलेगा। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बहुत ही हॉनेस्ट रिव्यू दे रही है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं कि मैं किसी को स्पॉन्सर करूँ। और ये जो है 100 ग्राम इसका जो नेट वेट 100 ग्राम है, और ये इसका सेल्फ लाइफ है 3/21 का है, तो मार्च 2023 तक ये चलेगा, मार्च 2023 तक ये चलने वाला है, तो 2 साल का सेल्फ लाइफ है इसका। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग ज़रूर लीजिएगा, ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा इंस्टेंट ग्लो मिल रहा है, देखिए मेरे फेस को, आप फेस देख के आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको इस उबटन के इस प्रोडक्ट के ऊपर से कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे रिप्लाई करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। और कोई अगर आपको कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं ट्राई करूँगी उस प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए, आपको हॉनेस्ट रिव्यू दूँगी और आपको डेमो टेस्ट करके भी दिखाऊँगी, डेमो करके भी दिखाऊँगी। तो आपको जो प्रोडक्ट का रिव्यू करना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा चैनल अच्छा लगा, आपका प्यार हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही प्यारी सी वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।